नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पटना एयरपोर्ट से विदेशों की उड़ान होगी जल्द शुरू। पटना एयरपोर्ट से ही सीधा विदेशों की उड़ान शुरू की जाएगी। बिहटा में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण के बावजूद पटना एयरपोर्ट के भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लायक बनाए जाने की पहल शुरू कर दी गई है, जहां पर हर तरह की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाले एयरपोर्ट वाला नजारा यहां देखने को मिलेगा। इमिग्रेशन काउंटर खोले जाएंगे और कस्टम विभाग के अधिकारियों की तैनाती भी की जाएगी। एयरपोर्ट के निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा जाएगा कि अत्याधुनिक सुविधाओं वाले एयरपोर्ट की तर्ज पर इसे विकसित किया जाए। प्रारंभिक सूचना के अनुसार भविष्य में नेपाल और अन्य जगहों पर छोटे जहाज के जरिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान की भी तैयारी की जा रही है। एसी कोच में सफर करने से पहले सभी यात्री कृपया ध्यान दें। एसी कोच में सफर करने से पहले सभी यात्रियों को ध्यान देने की जरूरत होगी। ट्रेन में एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले की तरह कंबल, बेडशीट और तकिया मुहैया नहीं करवाया जाएगा। रेलवे ने इसको लेकर नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी साफ कह दिया है कि इसे मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, बकायदा इसके लिए आपको पैसे देने होंगे और प्लेटफॉर्म से खुद ही खरीदना होगा। कई दशकों से रेलवे ने एसी में यात्रियों को बेडरोल देने की व्यवस्था शुरू कर दी थी, हालांकि कोविड-19 की वजह से इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। वहीं यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म पर क्यूसेक लगाए जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप एक बेडशीट, एक मास्क और एक सैनिटाइजर सैशे ₹50 मिलेगा। वहीं इसके साथ ही एक बेडशीट, एक मास्क और सैनिटाइजर सैशे के साथ एक तकिया ₹100 में मिलेगा। वहीं कंबल के साथ और बिना तकिया के ₹100 में, इसके साथ ही तकिया और कंबल दोनों को मिलाकर ₹250 में सामान दिया जाएगा। बिहार के दूसरे दशरथ मांझी ने खोदी 5 किलोमीटर नहर। बिहार के पहले दशरथ मांझी ने जहां पहाड़ को सड़क में तब्दील कर दिया था, वहीं अब गया के इमामगंज और बांके बाजार प्रखंड की सीमा पर जंगल में बसे एक कोट सिल्वा गांव में रहने वाले दशरथ मांझी को देखा गया है, जहां पर लोगों की गरीबी दूर करने के लिए लौंगी भुइया ने 5 किलोमीटर लंबी लाइन खोद डाली है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी की तरह उन्होंने 20 साल में 5 किलोमीटर लंबी, 4 फुट चौड़ी और 3 फीट गहरी पइन की खुदाई कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के खेत तक पानी पहुंचा का तरीका भी निकाल लिया है, क्योंकि प्रदेश में कमाने जाना उन्हें सही नहीं लग रहा था। वो बताते हैं कि 20 साल पहले साल 2001 में उन्होंने पलायन से दुखी होकर पइन खोदने का फैसला लिया था। जदयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म को बताया गया ऐतिहासिक। जदयू ने बीते दिन अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म jadulive.com की शुरुआत की है, जिसके बाद तरह तरह के दावे पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। इसी बीच एक नया दावा यह भी आया है कि आज तक के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया है, जिसके जरिए वर्चुअल रैलियों से लेकर छोटी सार्वजनिक और प्राइवेट वीडियो मीटिंग कर पाना संभव होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस नए डिजिटल मंच को लॉन्च किया गया है, जिसमें 7 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पहली वर्चुअल चुनावी रैली करने वाले हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का रास्ता हुआ साफ। बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए 22 सितंबर को ही राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। सीईटी बीएड के स्टील नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी है। साथ ही बताया है कि परीक्षा आयोजित की तैयारी पूरी की जा चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्सिटी के नोडल अधिकारी एवं परीक्षा केंद्र अधीक्षक से स्टूडेंट स्ट्रेंथ के साथ आयोजन की सहमति प्राप्त कर ली गई है। परीक्षा में 7 दिन पहले यानी कि 15 सितंबर तक वेबसाइट पर परीक्षा पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। प्रवेश परीक्षा में शामिल छात्रों का ही बीएड कॉलेज में नामांकन लेने एवं प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति को लेकर स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद बुधवार को इसकी अनुमति दे दी है। बिहार में ओबीसी पशुपालक को गाय पालन पर अब 75% मिलेगा अनुदान। पशुपालक को गाय पालन के लिए अब अधिक अनुदान दिया जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के पशुपालक और किसानों के दुधारू पशुपालन के लिए 75% अनुदान दिया जाएगा। हालांकि अब 6 से 10 गाय के पालन पर अनुदान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ 2 और 4 गाय पालन की योजना लागू करवाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर 2 दुधारू पशु के लिए लागत इकाई 1.60 लाख है, तो इसमें ओबीसी एससी एसटी को 1.20 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग को 80,000 अनुदान मिलेगा। वहीं 4 दुधारू पशुओं की बात करें तो इसकी इकाई 3,38,400 होती है, जिसमें ओबीसी एससी और एसटी को 2,53,800 अनुदान मिलेगा। सामान्य वर्ग को 1,69,200 अनुदान मिलेगा। साल 2020 के लिए पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग इस योजना को अगली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में बढ़ रहे क्षति का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम आज करेगी कई जिलों का दौरा। बिहार में बाढ़ के कारण प्रभावित जिलों का जायजा लेने केंद्रीय टीम बीते दिन बिहार पहुंच चुकी है। वहीं आज यह टीम कई जिलों का दौरा करने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार 6 सदस्यीय टीम का नेतृत्व में गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष गोयल कर रहे हैं, और वहीं यह टीम गुरुवार को कई जिलों में भ्रमण करने वाली है, जिसके तहत गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का जायजा लेने वाली है। 4 सितंबर को दिल्ली लौटने से पहले केंद्रीय टीम एक बार फिर से बिहार सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकती है। वहीं जानकारों की माने तो बुधवार को टीम के पहुंचने के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग में बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में विस्तृत जानकारी, साथ ही साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाढ़ से प्रभावित 16 जिलों के लिए हुए नुकसान का ब्यौरा टीम को दे दिया गया है।
आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे के गोस्वामी की। के गोस्वामी एक टेलीविजन आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कई टीवी सीरियल में काम किया है। गबरू और कोई है जैसे सीरियल में काम करके उन्होंने नाम कमाया है। और गोस्वामी का जन्म 3 सितंबर 1973 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। वर्तमान समय में के गोस्वामी बगल वाली जान मारेली में काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सब टीवी के गुटरगू में भी बखूबी काम किया है। इतना ही नहीं, गोस्वामी ने अब तक कई फिल्मों में भी काम किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने साल 2006 से की थी, जब उन्होंने भूत अंकल फिल्म में काम करने का मौका था। और इसके बाद 2007 में पप्पू पास हो गया और वो देख गए थे। वहीं 2019 में हम लेंगे संकल्प मेक इन इंडिया फिल्म में भी बखूबी देखे गए थे। हालांकि के गोस्वामी टीवी सीरियल से ज़्यादा सक्रिय नजर आए हैं। उन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत 1997 में ही कर दी थी, जिसके बाद वो लगातार कई सीरियल में काम कर चुके हैं। मांझी के खिलाफ पार्टी के अंदर ही दिखी बगावत। मांझी ने जहां महागठबंधन को छोड़कर अपना बगावत तेवर दिखा दिया था, वहीं अब पार्टी के अंदर ही दो नेताओं ने बगावती रवैया दिखाया है। मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान चेतनराम मांझी के साथ मैदान में उतरे औरंगाबाद से उपेंद्र प्रसाद ने कहा है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, एनडीए में वो नहीं जाएंगे। उन्होंने जीतनराम मांझी के फैसले का समर्थन नहीं किया है। वहीं नालंदा सीट से लोकसभा उम्मीदवार अशोक आजाद को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि वो मांझी के फैसले के साथ में नहीं थे। उन्होंने कहा है कि इन दोनों को उस समय लालू प्रसाद यादव के कहने पर ही हम की तरफ से टिकट सौंपा गया था। दोनों ही नेता हम सेक्युलर में रहते हैं और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के लिए ही काम कर रहे हैं। बिहार में रोजगार पर तेजस्वी ने एक बार फिर उठाए सवाल। रोजगार के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार से सवाल पूछते हैं। इसी क्रम में बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोजगार के मुद्दे पर निशाने पर लिया है। ताजा मामलों के अनुसार कोविड-19 और बाढ़ के मुद्दे पर हमेशा नीतीश कुमार को निशाने पर लेने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके कई सवाल भी पूछे हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए पूछा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बेरोजगारी पर बात करने में इतना क्यों घबराते हैं? क्या बिहार की बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बनाने के बाद उन्हें शर्माती है? क्या नौकरियों में धांधली और बिहार में उद्योग धंधे बंद करवाने के बाद भी वो युवाओं को भ्रमित कर और अधिक ठगना चाहते हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में ताकत झोंकने के लिए झामुमो हुई तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड के झामुमो भी उतरने वाली है, जिसकी तहत पार्टी की तरफ से पहले ही संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के घटक दल के रूप में 12 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया जा चुका है। हालांकि अब तक झामुमो को लेकर बिहार में महागठबंधन की तस्वीर साफ नहीं हुई थी। दूसरी तरफ महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा है कि झामुमो को लेकर बिहार में राजद के नेतृत्व वाले गठबंधन में समस्या पैदा की गई है। यह सम्मानजनक जगह नहीं दी गई है तो पार्टी गैर भाजपा दलों के साथ गठबंधन के विकल्प पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने यह उम्मीद जताई है कि झामुमो महागठबंधन का हिस्सा हो सकती है। तेजस्वी यादव को झटका देने के लिए ओबीसी ने बनाया एम प्लान। आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, साथ ही पार्टियों की तैयारियां भी लगातार जारी है। इसी बीच महागठबंधन को लीड कर रही तेजस्वी यादव को कड़ा मुकाबला देने के लिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सामने आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बिहार में 50 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। वहीं ओवैसी ने इस ऐलान के बाद महागठबंधन की परेशानी बढ़ाने के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं। ओवैसी के विधानसभा चुनाव में 50 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के बाद यह माना जा रहा है कि लालू के MY समीकरण में सेंधमारी हो सकती है। ओवैसी ने अपनी दावेदारी उन सभी जगहों पर ठोकी है जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। कई सीटों पर तो 40 से 69% तक मुस्लिम मतदाता है। पटना एयरपोर्ट पर इस महीने के अंत में बढ़ जाएगा चेकिंग काउंटर। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के कैनोपी में आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से टर्मिनल भवन 2,000 वर्ग फीट और ज्यादा बढ़ गया है, जिसके तहत इसका काम इस महीने पूरा होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर कई बदलाव देखने को मिलेंगे। मिली जानकारी के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन के विस्तार होने के बाद चेकिंग काउंटर 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए जाएंगे। वहीं कन्वेयर बेल्ट 2 से 3, हैंड बैगेज मशीन 3 से 4, रजिस्टर्ड बैगेज मशीन 3 से 5 और फीमेल फ्रिस्किंग बूथ की तादाद 2 से 4 हो जाएगी। इससे यात्रियों को चेकिंग एरिया में कम वक्त तक कतार में खड़ा रहना पड़ेगा। पटना आने वाले यात्रियों को सामान लेने में समय बचेगा और इसके साथ ही हैंड बैगेज और रजिस्टर्ड बैगेज की जांच भी समय पर हो पाएगी। बिहार में 21 दरोगा और 30 ASI का फिर हुआ तबादला। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले लगातार पुलिस महकमे में फेरबदल की कवायद जारी है। इसी क्रम में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 21 दरोगा और 30 ASI को जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित कर दिया गया है। वहीं निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर बिहार में पुलिस अफसरों का ट्रांसफर भी किया जा रहा है। एक ही थाने में कई महीनों से तैनात अफसरों का तबादला किया जा चुका है। इसके अलावा पुलिस लाइन में पदस्थापना की प्रतीक्षा कर रहे पुलिस अफसरों को भी थाने में तैनाती कर दी गई है, जिसकी पूरी सूची विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। राजगीर में 18 से लगने वाले मलमास मेले पर लगा कोविड-19 का ग्रहण। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच राजगीर में 18 सितंबर से शुरू होने वाले मलमास मेले को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि पंडा कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए वैदिक पूजा सहित अन्य पारंपरिक धार्मिक कर्मकांड किए जाएंगे। SDO संजय कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि पंडा कमेटी के सदस्यों एवं स्थानीय लोगों के साथ बैठक
बैठक कर मेला स्थगित करने पर सोच विचार किया गया है। इसके साथ ही राजगीर में 3 सालों पर मलमास मेला का आयोजन किया जाता है। मेला 1 महीने चलता है और पूरे मलमास के दौरान 33 कोटि देवी देवताओं का यहां आगमन होता है। पहली बार पौराणिक एवं धार्मिक मलमास मेला का इस बार आयोजन नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार रोजगार मुहैया करवाने में सफल साबित हो पाई है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।